जनपद मिर्जापुर में कोलकाता में नारी शक्ति सोरापा ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जघन्यतम दुराचार के बाद हत्या से केबी कॉलेज के छात्र छात्राओं में रोष देखा गया। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने उक्त घटना की घोर निंदा करते हुए केबी कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला तथा जिला अधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कहा कि देश की बेटी कब आज़ाद होगी, कब उसे ये महसूस होगा कि वो सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल सरकार हाय हाय, पश्चिम बंगाल सरकार हाय हाय, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 अपने बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अपने बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 जात नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम सुचित पांडे है। हमारे देश में जो है इस समय आप कोलकाता के घटना से परिचित होंगे और कोलकाता में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे छात्रा के साथ जो दरिंदगी की गई और दरिंदगी करने के पश्चात उनको मौत के घाट उतार गया। ऐसे ही घृणित सोच रखने वाले समाज में कई सारे लोग खुलेआम घूम रहे हैं और इन लोगों को ये शक्ति वहीं से मिलती है जब इनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाता है और ये लोग ऐसे ही नारी शक्ति के ऊपर अपना एक साथ सामूहिक दर्द दिखा के उसको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोगों को जो है टारगेट किया जाता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी आवाज़ को दबाया जा सके। वो छात्रा जो है सेकेंड सेमेस्टर पीजी मेडिकल की स्टूडेंट थी और जो कि वहाँ पे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करती थी, उसके पेरेंट्स की काफ़ी जिम्मेदारी और काफ़ी भरोसे के साथ उस छात्रा को भेजा गया था वहाँ पे कि वो पढ़ाई करे, वो अपने परिवार का भी भरण पोषण सब कुछ करती थी और उस बच्ची के साथ जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ ये सब किया गया, यह बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम लोग तो अपने आप को आज़ाद कहते हैं कि हम लोग आज़ादी के इस देश में जी रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी आज़ाद नहीं है और हमारी बेटी खुलेआम रात को 9 बजे 10 बजे निकलने में भी आज भी बच्चियों को डर लगता है, कहीं बाहर जाने में भेजने में उनके पेरेंट्स को डर लगता है कि हमारी बच्ची के साथ भी कहीं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं न हो जाए। क्या मांगे हैं? मेरी मांगे हैं, मैं जिलाधिकारी महोदय को उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो है ज्ञापन सौंप कर उस दरिंदगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं और उनको फांसी दिलवाने की भी मांग करता हूं, जिससे आने वाले समय में समाज में जो भी ये घृणित कार्य की सोच रखता हो वो 1000 बार ऐसे कार्य को करने में सोचे और उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदाबाद।